हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं वेक्टर चैप्टर 2020 में आया हुआ 12th का न्यू सिलेबस मैथ्स 1 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वेक्टर ये स्टार्ट किया है। लास्ट मैंने एक लेक्चर दिया है इस चैप्टर का जो 5.1 है उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट, जनरली पूरा ही बेसिक कंसेप्ट, और भी जो बेसिक से आगे बताते रहूँगा वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अब आगे चल के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन फटाफट हम करेंगे। ये चैप्टर आपको ईजी तब लगेगा जब आपको इसके बेसिक्स पता हो कि वैक्टर के अंदर कितने कंसेप्ट होते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा जो पार्ट 1 वीडियो है वैक्टर चैप्टर का जिसमें मैंने बेसिक्स बताए वो जरूर देखें। अगर आपने देखा होगा तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से सीखो तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां देख सकते हो 5.1 का क्या दिया है, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ मैग्नीट्यूड, इस तरह से मॉड होता है उसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, एंड द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, ये बी बार है उसके ऊपर लाइन मतलब बार होता है ओके okay. और इस बी बार के दोनों साइड मॉड है मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया है 7, तो हम लोगों को ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर नहीं थे ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया इस साल का वेक्टर चैप्टर पूरा मॉडिफाई हो चुका है। मेरे ही चैनल पर लास्ट ईयर भी मैंने 12th का वेक्टर सिखाया था, प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो बिल्कुल अलग है सब कुछ, और ये अब सब कुछ अलग है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। हम लोग पहले डायग्राम बना के देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, देखो ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर ए बार और बी बार के लिए नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन दिया है, ए बार का डायरेक्शन नॉर्थ है, बी बार का डायरेक्शन वेस्ट है। तो हम लोग कभी भी याद रखो मैप के अंदर इस तरह से जो डायरेक्शन होता है कैसे लेते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है नॉर्थ के साउथ, और यहाँ पर ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होते हैं, इसको फॉलो करके हम डायग्राम बनाते हैं। ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, अब नॉर्थ क्या है देखो ऊपर, यानी जो ए बार है और उसका मैग्नीट्यूड 24 है। सो मैं एक इस तरह से ए बार करता हूँ और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये समझो ए बार है, इसकी जो वैल्यू है लेंथ यहाँ से यहाँ तक वो 24 है और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ओके। एंड द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, वेस्ट कहाँ पर है देखो ये रहा वेस्ट है ना, मतलब जो वेक्टर बी बार है ऐसे समझ सकते हो ये बी बार है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7, ये छोटा है 7, ये 24 है बड़ा वेक्टर है लेकिन हमको क्या करना है ए बार प्लस बी बार करना है, ये जो ए बार और बी बार है दोनों वेक्टर को प्लस करना है। अब देखो कोई भी जो डायरेक्शन है जैसे नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात याद रखना है। एज अ फ्री वेक्टर इसको यूज करो, ए बार में बी बार को प्लस करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है बेसिक में मैंने बताया था वो यूज करेंगे। सो हम लोगों को ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट करना है। सो ए बार प्लस बी बार करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए बार ड्रॉ किया, फिर जो बी बार है उसको इसके टेल पे रख देंगे यहाँ पर इस तरह से, दिस इज बी बार, समझ में आया। ए बार बड़ा क्यों लिया हमने 24 है, बी बार 7 है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ है वो ओके इसके अकॉर्डिंग किया ओके। अब क्या स्केल से माप के करोगे, जरूरत नहीं है ऐसे अंदाज से करना। अब मुझे ए बार प्लस बी बार कैसे आएगा वेक्टर फॉर्म में, देखो यहाँ पर सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया, स्केलर फॉर्म में दिया, ए बार का मैग्नीट्यूड 24 वो स्केलर है, बी बार ये स्केलर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ए बार प्लस बी बार ये वेक्टर है, बट ये जब मॉड कर दिया तो स्केलर हो गया उसकी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले मैं ये मॉड के बाहर मॉड के अंदर जो ए बार प्लस बी बार है इसको फाइंड करूंगा, ये कैसे आएगा देखो ए बार और बी बार दोनों को प्लस करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या था याद है ना, जो पहला वेक्टर है ए बार उसका जो इनिशियल पॉइंट है वहां से जो दूसरा वेक्टर बी बार है उसका जो टेल है वहां तक हम एक एरो ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज व्हाट आर बार रिजल्टेंट दैट इज ए बार प्लस बी बार, समझ में आया। लेकिन हमको निकालना क्या है ए बार प्लस बी बार नहीं, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है ये जो वेक्टर आएगा इसका लेंथ। अब देखो मैंने क्या बताया था नॉर्थ एंड वेस्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन ये वेस्ट डायरेक्शन दोनों के बीच में 90 डिग्री ओके, अपने को पता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये जो डायरेक्शन है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सो दिस इज व्हाट अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मैग्नीट्यूड ए बार कितना है 24, बी बार का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो इसका हमको क्या निकालना है ए बार प्लस बी बार इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो अगर ये 7 ये 24 है
तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर नहीं निकालना है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आ गया आंसर, आप खुद से कर लोगे। लेकिन रुको, मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लो। ये आ चुका है आपको 10th में, जो सेकंड चैप्टर आपने सीखा था पाइथागोरस थ्योरम, वो अप्लाई करो। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पर हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ किया, वो सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए था, सिर्फ इतना डायग्राम आपको करके दिखाना चाहिए। सो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन जो जो दिया है, मॉड ए बार यानी ए वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड 24 एंड बी बार जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 7, इट इज़ गिवन। ओके, सो एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन इज 90 डिग्री, ये लिख सकते हो इस तरह से। देयरफोर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो ये जो ए है और ये जो बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्क्वायर ए बार। तो देखो, कभी भी किसी वेक्टर को स्क्वायर करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करना। ओके, स्क्वायर करने से वो स्केलर हो जाता है, वेक्टर का स्क्वायर स्केलर होता है। तो ये जो वेक्टर ए बार है उसका मैग्नीट्यूड रख के स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना। फिर ये जो बी बार है, ओके, डायरेक्शन का तो स्क्वायर नहीं कर सकते ना, इसलिए मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर रहे हैं। इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। ये जो रिजल्टेंट है आर, मतलब ए बार प्लस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड आएगा और उसका भी स्क्वायर आएगा। समझ में आया पाइथागोरस थ्योरम से? इसको देखो, आप जैसे लिखते थे, सपोज ये एक ट्राइंगल है, एक मिनट, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी और सी ए समझो, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये करते थे ना, वही किया मैंने। बट ऐसे क्यों लिखे, बिकॉज ये वेक्टर है, वेक्टर उसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ इसका लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, ए बार उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसका स्क्वायर। ओके, फिर बी बार पाइथागोरस थ्योरम से, चलो अब ये ए बार कितना है, यहाँ से देखो ए बार इज 24, सो 24 स्क्वायर, बी बार इज हाउ मच, बी बार 7, तो 7 स्क्वायर। ए बार प्लस बी बार ये तो फाइंड करना है, ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे ही रखो, ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, और यहाँ पर ये जो है ऐसे ही रखो, चलो प्लस करो 96, 15 वन आया, 75 12 वन आया, 625 मॉड ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड, और ये स्क्वायर को इस तरफ लाओ तो स्क्वायर रूट हो गया। नाउ ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 25। यहाँ पर किस यूनिट दिया था क्या, 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर नहीं ना, तो हम भी नहीं लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो आएगा ये कितना आएगा, ए बार प्लस बी बार जो फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 25 आएगा। बस मतलब एक्चुअल में हमने किया क्या, 10th स्टैंडर्ड का ही सम किया, बट उसको लिखने का तरीका बार वेक्टर के फॉर्म में था और मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये इजी तरीका हुआ। ओके, आपको ये डायग्राम जो मैंने ब्लू में दिया है वो बनाना चाहिए, ये मैंने समझाने के लिए किया है बेसिक। ओके, ये समझने के लिए है, जब भी डायरेक्शन वगैरह दिया होगा तो ये डायरेक्शन फॉलो कर सकते हो इस तरह से, ये बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में देखो। चलो इसको आप कॉपी कर लो, नोटबुक में लिखते जाओ। ओके, सब इजी लगेगा मेरे साथ। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब एक ट्राइंगल है, पी क्यू एंड क्यू आर दिया हुआ, उसकी वैल्यू दी हुई है, या दोनों वेक्टर फॉर्म में देखो। यहाँ वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर मैंने एरो इस तरह से लिखा है, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो या एरो बनाओ, चलता है। पी क्यू वैक्टर जो है 2a बार दिया है, क्यू आर वैक्टर 2b बार दिया है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम दिया हुआ है, फाइंड फॉलोइंग वैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ये सब कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसके अंदर डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर। देखो ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो पी क्यू क्यू आर एंड पी आर, तो आप इस तरह से एक समझो पी क्यू बना दे, पी क्यू फिर क्यू आर करना है, पी क्यू के बाद क्यू आर, तो समझो यहाँ से ये वैक्टर है इस तरह से, फिर एक क्यू आर कर लो यहाँ से। ओके, तो ये क्यू और ये आर हो गया, ठीक है, पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू क्यू आर, और यहाँ से पी आर ले लो इस तरह से, तो ये पी आर हो गया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो पी क्यू बार पी क्यू में क्यू आर को प्लस किया, क्या किया, पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। समझ में आ रहा है, ट्रायंगल लॉ, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल दिया है ना, तो मैं इस तरह से साइड्स लेता हूँ कि ट्रायंगल लॉ से आ जाए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर और कुछ दिया है,
मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम, ये जो पी आर है पी आर इसका मिड पॉइंट एम है, ओके। एंड फाइंड फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड पी बार, यहाँ क्या दिया देखो, पी क्यू बार है ना वो टू ए बार है, इस पी क्यू इज इक्वल टू टू ए बार, क्यू आर इज टू बी बार, ये जो क्यू आर है वो टू बी बार है, ओके। तो अब क्या क्या निकालना है देखो, सबसे पहले पी आर की बात करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी आर कैसे आएगा, पी आर अभी मैंने बताया ना यहाँ पर, पी आर कैसे आ रहा है देखो, पी आर पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको आ रहा है तभी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बेसिक मतलब ये भी नहीं आएगा। ट्राइंगल लॉ कैसे था, यहाँ से शुरू हुआ पी क्यू, फिर यहाँ गया क्यू आर, फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर क्या आ गया, पी आर आ गया, पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर, पी आर को वहाँ लिखो या पहले लिखो चलता है। चलो अब आगे देखते हैं, वैल्यू दिया है इक्वल टू पी क्यू कितना है देखो, पी क्यू वैक्टर है टू ए बार, वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर, हाँ कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते पी क्यू बार इज इक्वल टू टू ए, तो ये वैक्टर यहाँ इक्वल के इस तरफ वैक्टर है, उधर भी वैक्टर होना चाहिए, ऐसे भी नहीं कर सकते हम लोग, इसका मॉड ये मैग्नीट्यूड हो गया, स्केलर हो गया, ये वैक्टर ये नहीं चलता है, ओके दिस इज नॉट पॉसिबल। पी क्यू बार कितना था टू ए बार, क्यू आर, क्यू आर कितना है देखो यहाँ से टू बी बार, सो दिस इज वॉट पी आर बार, सो पी आर बार सॉल्व करो और क्या हो सकता है, दोनों का टू कॉमन आ गया, सो दिस इज ए बार प्लस बी बार, सो आपको मिल चुका है क्या पहला पी आर बार, अरे वैल्यू तो आई नहीं, ये क्या आ गया, सो हम लोग को पूछा क्या वो देखो ना, फाइंड फॉलोइंग वैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ए बार और बी बार के टर्म में, ए बार और बी बार के टर्म में इन सब की वैल्यू निकालो, तो पी आर के आंसर में ए बार बी बार आ गया, हो गया। अब दूसरा है पी एम, तो पी एम कहाँ पर है देखो, ये पी एम ये दिख रहा है यहाँ पर पी एम, तो पी एम ये एम क्या है मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये पूरे पी आर का ये क्या होगा, आधा होगा, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, पी एम बार ये वैक्टर है देखो, पी एम बार दूसरा, हाँ पी एम बार कैसे निकाला, इट विल बी हाफ, ये जो पी एम है वो क्या होगा, पूरे पी आर का आधा होगा, हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ पी आर बार, समझ गए। अब देखो हाफ पी आर कहाँ है देखो, ये पी आर है, पी आर की वैल्यू पता है, दैट इज टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार, ओके सो टू से टू हो गया कैंसिल, सो क्या मिल गया, ए बार प्लस बी बार मिल गया, क्या ये पी एम बार, सो ये आपको वैल्यू मिल गई पी एम बार की, तो दो हो गया, पहला हो गया पी आर का आंसर आ गया, पी एम बार का आंसर आ गया। अब तीसरा क्यू एम बार, ओके चलो क्यू एम बार तीसरा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्यू एम, क्यू एम कहाँ पर है देखो, ये क्यू जो है ना, यहाँ से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा क्यू एम, ये समझो एक वैक्टर है, ओके दिस इज अ वैक्टर क्यू एम। अब क्यू एम देखो, क्यू एम वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसका तो कोई रिलेशन नहीं, काम करते इस ट्राइंगल को कंसिडर करना, एकदम ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल क्यू एम आर, इन ट्राइंगल क्यू एम आर, ध्यान से देखना क्या होगा, देखो ट्राइंगल लॉ से क्यू एम प्लस एम आर, देखना क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू, देखो क्यू एम और एम आर को प्लस किया तो क्या आ जाएगा क्यू आर बार, कैसे आया, ट्राइंगल लॉ वैक्टर एडिशन, ठीक है। निकालना क्या है, क्यू एम, क्यू एम ये क्यू एम फाइंड करना है, ठीक है। एम आर मालूम है क्या, नहीं, ये एम आर मालूम है, नहीं, क्यू आर मालूम है, यस क्यू आर वी नो, क्यू आर कितना है देखो टू बी बार, यहाँ भी है देखो टू बी बार, क्यू आर हमको मालूम है टू बी बार, समझिए क्यू एम फाइंड आउट करना है। एम आर, एम आर मालूम नहीं है लेकिन मालूम कर सकते हो क्या, यस कैसे कर सकते हैं देखो, अभी यहाँ से देखो जो पी एम है, देखो ये पूरा जो पी आर है, पी आर कितना है देखो यहाँ से टू ए बार प्लस बी बार, ओके। अब यहाँ से अगर मुझे एम आर निकालना है देखो, तो ये जो एम आर है वो क्या होगा, एम आर बार इज इक्वल टू, ये जो एम आर है वो पूरे पी आर का ये भी आधा होगा, आधा पी आर बार, सो आधा पी आर कितना है देखो, पी आर टू इंटू ए बार प्लस बी बार। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, रुको ऐसे ले सकते हैं, देखो एम आर बार, एम आर बार इज इक्वल टू पी एम बार भी ले सकते हैं, और पी एम तो फाइंड किया था यहाँ पर, पी एम पता है देखो, पी एम क्या है ए बार प्लस बी बार, ओके एंड बोथ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर बार। चलो एम आर बार पहले निकाल लो अलग से, क्या आ जाएगा, पी एम बार कितना है यहाँ पर, पी एम ए बार प्लस बी बार, सो यहाँ पर आ जाएगा पी एम ए बार प्लस बी बार, चलो इसको लेने की जरूरत नहीं है, वो आ चुका ऑलरेडी। तो ये हमने क्या निकाला, एम आर निकाला, एम आर
आगे देखो, क्यू एम बार प्लस एम आर, एम आर क्या है, ए बार प्लस बी बार, ओके। अब आगे सॉल्व करो, क्यू एम बार इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा, सो वहाँ ऑलरेडी टू बी बार है, ये वहाँ गया तो माइनस ए बार, बी गया तो माइनस बी बार, सो क्या आ जाएगा, क्यू एम बार इज इक्वल टू टू बी माइनस वन बी इज वन बी बार माइनस वन ए बार, सो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखो ये लॉजिक से किया हमने, सोच समझ के किया, ओके। यहाँ पर ये जो क्यू एम निकालना था उसके लिए हमने ये ट्राइंगल का यूज़ किया, क्यू एम प्लस एम आर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना था, पी आर की वैल्यू निकालनी थी वो यहाँ आ गया, पी एम की वैल्यू निकालनी थी वो यहाँ आ गया, क्यू एम की वैल्यू, आप बोलोगे वैल्यू कहाँ आया है, तो कुछ नंबर तो आया नहीं, तो ये वैक्टर है, ये वैक्टर का आंसर वैक्टर के फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन में बोला था ए बार और बी बार के टर्म में आंसर लाओ, तो देखो हर एक के आंसर में ए बार बी बार आ रहा है ना, मतलब हो गया हमारा। इसके अंदर एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है हमारा उसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस दिया हुआ है आंसर में, हमारा प्लस आ रहा है, तो सीधे सीधे प्लस ही आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, ये बाकी के दोनों आंसर पीछे यही दिए, ये गड़बड़ दिया है, तो आप यहाँ मैच कर लो, ये हमने जो किया वो सही है, इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन थर्ड वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ओ ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमें आ गया रेगुलर हेक्सागन, ये अभी तक मैंने बताया नहीं आपको बेसिक्स में, तो आओ चलो इस क्वेश्चन के साथ हम रेगुलर हेक्सागन के बेसिक के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है, बिकॉज ये जेई लेवल के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, जेई मेंस में, कि रेगुलर हेक्सागन के ऊपर जो सम्स आते हैं और बताना होता है। तो ये जो थर्ड सम है इसके बाद जो फोर्थ वाला सम है वो भी रेगुलर हेक्सागन के ऊपर है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि रेगुलर हेक्सागन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसके बेसिस पर अगर वेक्टर का कोई सम आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो रेगुलर हेक्सागन होता क्या है, आपको इस तरह से बनाना है, जैसे ये ओके, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन इस तरह से, इसको आप नाम दे सकते हो ए बी सी डी ई एफ, समझो मैं एक जनरल बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, मैं एक जनरल टॉपिक ले रहा हूँ रेगुलर हेक्सागन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सारे के सारे जो साइड्स होते हैं उसकी लेंथ सेम होती है, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, सब के सब साइड है वो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल्स ये 120 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, समझे, इसलिए इसको रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर मतलब क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब हैविंग, देखो केमिस्ट्री में सीखा ना, हेक्स, हेक्सा मतलब 6, सो 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं, और ये हेक्सागन है बिकॉज 6 साइड से बना है, और रेगुलर है मतलब सारे साइड सेम है, इक्वल है, और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल है, 120 डिग्री के एंगल्स है। अब वेक्टर के फॉर्म में बात करते हैं, चलो कि अगर ये जो है इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ वेक्टर के फॉर्म में बात करते हैं कि समझो इस तरह से ये है, ओके, वेक्टर्स, ये वेक्टर है समझो, इसका डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया इस तरह से, ओके, ये अब होगा क्या, देखो ये जो ए बी बार है, समझो कि ये स्मॉल ए बार दिया है, बी सी बार को स्मॉल बी बार दिया है, तो ये तो आ गया। अब होता क्या है कि जो ये है ना, ये और ये दोनों पैरेलल होते हैं, ओके, तो ये जो ए बी बार है, ए बी बार अगर ये स्मॉल ए बार है, अगर उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार है, तो ये जो ई डी होगा ना, ई डी, ई से लेके डी, ई डी वो भी स्मॉल ए बार होगा, ये स्मॉल ए बार, तो ये भी स्मॉल ए बार, बट ई से लेके डी तक, हाँ, ए से बी ए बार है, तो ई डी वो भी ए बार होगा, बट आपको बोला जाएगा डी ई बताओ कितना, तो कैसे करोगे, डी क्या करोगे, डी डी बार अगर निकालना है तो देखो ये ए बी का मैग्नीट्यूड ए है, और ये जो डी है उसका, दोनों का ये ए बार रहेगा ही, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन, और ये इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए डी क्या रहेगा, ये अगर ई डी है तो ए बार रहेगा, और डी बोलेंगे तो माइनस ए बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए बार, याद रखो, समझे। तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये ए बार है तो ये भी ए बार होगा, अगर ई डी बोलेंगे तो डी बोलेंगे तो माइनस है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। उसी तरह से अगर ये बी बार है, ये जो बी सी है ये बी बार है ऐसे, तो इसको पैरेलल कौन है, देखो ये अगर हमको पूछा जाएगा कि एफ एफ ई बार कितना, देखो हाँ एफ से ई बार, अब बोलोगे एरो तो नीचे है, एरो को भूल जाओ, चलो एफ ई, अगर मैं एफ से ई ई बार बताता हूँ इस तरह से एफ ई बार, तो देखो ये जो बी सी बार है, बी सी सेम डायरेक्शन, एफ ई सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम, ये बी बार है तो ये भी बी बार हो जाएगा, कितना आ जाएगा एफ ई बी बार, बट अगर आपको बोला जाएगा नहीं नहीं ई एफ बताओ, ई एफ ई ई से एफ
इस डायरेक्शन में ई एफ, तो ई एफ बार कितना, तो ये बी बार है देखो उस डायरेक्शन में, और ये दोनों साइड सेम है, अगर ये बी बार है तो ये भी बी बार है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, ये बी बार है तो ये भी बी बार, बट डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस बी बार, समझ में आया। तो इस तरह से होता है। अब समझो ये आ गया, ये आ गया, ये दोनों साइड आ गए, ये दोनों साइड आ गए, बट इन दोनों का क्या, ये दोनों का क्या, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका भी कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं आपके लिए। रेगुलर हेक्सागन हम लोग सीख रहे हैं। देखो अब समझो ना कि ये जो डी सी है ना, सी डी, इसको पीछे लेके आते हैं यहाँ से, ऐसे समझो, ये जो सेम था उसको मैं पीछे लेके आया और ये भूल जाओ, ये समझो अब सी डी है, दिस इज सी डी, ओके, इस तरह से। और ये जो ए बी है ना, ये जैसा है तैसा, इसको यहाँ समझो, फ्री वेक्टर जैसे करते थे ना वैसे, समझे। अब देखो ये जो सी डी था वो उस डायरेक्शन में था, ये सी डी है समझो इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये जो ए बी था वो इस डायरेक्शन में, तो ये अब समझो, ये भूल जाओ, ये ए बी है अब समझो, समझे। और ये सी डी था तो ये सी डी है, मैंने शिफ्ट कर दिया फ्री वेक्टर्स, क्यों, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी एक्चुअल में अब सी डी की वैल्यू निकालूंगा। ये क्या था, ए बार था, मतलब ये ए बार हो गया, इसी को उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के पीछे ले लिया। अब ट्राइंगल ऑफ वैक्टर एडिशन अप्लाई करूँ, क्या आएगा, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, सो ए बी प्लस, देखो अब ये एक्चुअल में ये ए बार है, समझो ये एक्स है, एक्स बार, हाँ इसकी वैल्यू फाइंड कर दें, ये ए बार, ए बार प्लस इसके अंदर ये एक्स बार को प्लस किया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ऐसे जा रहा है ना एरो, दिस प्लस दिस, तो आंसर क्या आएगा, ये याद आ रहा है ट्राइंगल लॉ, ऐसे था फिर ऐसे, अगर इसको और इसको प्लस करना है, ए बार प्लस बी बार करना है, तो आंसर क्या आता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ये आर बार होता है, ए प्लस बी है ना, तो ये ए बार प्लस एक्स बार क्या आ जाएगा, ये वाला, ये कितना है, बी बार है, तो अब ये जो अननोन था वो कितना आ जाएगा, एक्स बार, ये बी बार, ए बार वहाँ गया तो माइनस ए बार, ये आ गया। सो क्या आ गया, देखो ये जो एक्स बार था क्या है, बी बार माइनस ए बार, मतलब ये आया बी बार माइनस ए बार। चलो वापस जो जैसा था कर दो फटाफट, ये क्या था, ये देखो ये ए था, ए बी सी डी, ये स्मॉल ए बार स्मॉल बी बार, और ये क्या है, बी बार माइनस ए बार, ऐसे जाएगा तो बी बार माइनस ए बार, तो ये ए एफ रहेगा ना, ये भी बी बार माइनस ए बार, बट अगर एफ ए चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, एफ ए यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ है और ये अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों, इस तरह से, तो ये बी बार माइनस ए बार है तो उसका निगेटिव ही आएगा, तो ये ए बार माइनस बी बार आ जाएगा, उसका निगेटिव ये होता है। तो किसी भी रेगुलर हेक्सागन में हम कोई भी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, आमने सामने वाले वेक्टर पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन सेम होगा तो सेम सेम आ जाएगा, ए बार डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव आ जाएगा, ओके, दो वेक्टर दिए तो तीसरा वेक्टर इन दोनों के हेल्प से हम ट्राइंगल लॉ करके निकाल सकते हैं। सारी की सारी साइड्स जो होती है उसकी लेंथ सेम होती है, सारे के सारे जो एंगल होते हैं 120 डिग्री के होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन जिसके अंदर 6 साइड्स होती है। आया समझ में, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3rd 4th आपको ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, पहले पढ़ लो अच्छे से, ओ ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो चलो बनाते हैं। कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर दो, चलो इस तरह से बना लिया, ठीक है, एक काम करते थोड़ा और बड़ा करते, क्योंकि हमको समझना भी है ना, बहुत सारे उसमें डेटा कैलकुलेशन है, थोड़ा बड़ा बना दें, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, एग्जैक्ट हेक्सागन नहीं बनाया मैंने, माप के नहीं बनाया, अंदाज से बनाया, ठीक है, समझ लेना। अब नाम क्या है, देखो ओ, ओ से शुरू करो, चलो यहाँ से शुरू करते, ओ ए, हमेशा यहीं से शुरू करो, हाँ ओ ए बी, कहीं से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, ये स्टैंडर्ड तरीका, इस तरह से नाम दिया, ओ ए बी सी डी ई रेगुलर हेक्सागन। क्या प्रॉपर्टी बताया ना हमने, सभी साइड की लेंथ सेम होगी, सभी एंगल्स 120 डिग्री के होंगे, ओके, और आमने सामने की साइड जो पैरेलल भी होगी। द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजिशन वैक्टर ए बार एंड बी बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये जो ओरिजिन समझा है, ओरिजिन ए से जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। अब ए बार मैंने एरो बना दिया तो चलता है ऐसे एरो, बट कितने बार एरो बनाएंगे, इसलिए हम सीधा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए बार। और जो पॉइंट बी है, बी जो है ना उसका पोजीशन वेक्टर बी बार है विद रिस्पेक्ट टू ओ, इस ओ के रेस्पेक्ट से इस बी बार का पोजीशन वेक्टर, तो अभी यहां से ज्वाइन कर दो, इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी बार, ये क्या है ए बार और ये क्या है बी बार, समझ में आया। तो अब क्या बोला है, देखो फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी ई, ये जो सी है
डी है ई, सबका पोजिशन वैक्टर निकालो। अब पोजिशन वैक्टर मतलब क्या, देखो पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओ ए बार, तो ए बार आया। पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर मतलब ओ ए बार। पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर मतलब क्या, पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ बी बार, इसको हम बी बार बोलेंगे, बेसिक्स में बताया था मैंने। पॉइंट सी, देखो यहाँ क्या निकालना है, पोजिशन वैक्टर्स ऑफ सी डी ई, तो सी डी ई, ये जो सी डी ई है उसके पोजिशन वैक्टर निकालना है। तो सी का पोजिशन वैक्टर क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, तो ओ सी बार निकालना है, तो वो जो भी आएगा। फिर डी का पोजिशन वैक्टर ओ डी बार निकालना, ई का पोजिशन वैक्टर ओ ई बार निकालना, और आंसर क्या आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार के टर्म में आना चाहिए। अभी सेकेंड क्वेश्चन किया था ना उस तरीके से, तो ये ओ सी ओ डी ओ ई निकालना है। कहाँ है देखो, ओ सी ज्वाइन कर दो, ओ सी निकालना है, ओ डी निकालना है और ओ ई, ये जो ओ ई है वो निकालना है। कैसे किया जाए, कैसे फाइंड करेंगे ये सब, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सी के लिए देखने वाले, देखो ये ए बार है, ये ए बार है ओ ए, तो यहाँ से डी सी अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो ये ए बार है, तो ये भी ए बार होगा। इसके अंदर क्या करूँ, बाकी की सब वैल्यूज निकालने के लिए सी डी ई के लिए मैंने सबको ज्वाइन कर दिया, इस ई से बी को भी ज्वाइन कर दो। अब देखो अगर आप एरो नहीं बनाते हो, जो मैं एरो समझो कि आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि ये एरो यहाँ से यहाँ है कि यहाँ से यहाँ है, तो आप बिना एरो के भी काम करोगे तो चलेगा। ओके, डोंट ड्रॉ एरो, इट विल बी ओके। तो बिना एरो के मैं बताता हूँ, ओके, डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस या माइनस लेंगे। अभी जब समझो ये ए बार है और ये बी बार है, मुझे समझो ये निकालना है ए बी, तो हम ऐसे समझ सकते हैं ये जो ट्राइंगल है उसमें मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जो ए ओ, ए ओ प्लस ओ बी, देखो ए ओ प्लस ओ बी, ए बी आ जाएगा। समझने के लिए एरो बनाने की जरूरत नहीं, तो उसका यूज़ मैं करता हूँ यहाँ पर। ओके देखो सॉल्यूशन, ध्यान से देखना सॉल्यूशन, ऐसे किया ए ओ, अच्छा यहाँ पर मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा कि ओ ए बार जो है, ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए बार, एंड ये जो ओ बी है, ओ बी, ओ बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी बार, ये लिख के दिखा दिया मैंने। अब मैं खुद से लेता हूँ इन दिस ट्राइंगल, देखो ओ ए प्लस ए बी ले सकते हो, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ऐसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, चलो लेते इस तरह से, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी बाय ट्राइंगल लॉ लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओके बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए, ओ ए प्लस, ध्यान से देखना, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ऐसे कर दिया। क्या किया मैंने, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, मैं पहले कैसे बता रहा था, ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी, कैसे भी ले सकते हो बिकॉज एरो तो दिया ही नहीं है ना, आप खुद से कंसिडर कर सकते हो। ओके जैसे कि मैं बताता हूँ वापस से कैसे कंसिडर कर सकते हैं, समझो एरो नहीं दिया है, ए बी सी है, तो आप ऐसे ले सकते हो बी ए, ऐसे एरो समझो, बी ए प्लस, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ऐसे समझ सकते हो, या तो फिर कैसे भी घुमा सकते हो इसको, ऐसे कर सकते हो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए, मतलब जहाँ से शुरू किया ना वही लेने का, जैसे बी सी प्लस सी ए, बी सी में सी ए प्लस किया तो ये आ जाएगा बी ए, समझे, ऐसे किया तो ए बी प्लस बी सी किया तो ए सी आ जाएगा, समझे, ऐसे करो सी ए प्लस ए बी किया तो सी बी आ जाएगा, मतलब किसी भी दो साइड को प्लस करोगे तीसरी साइड आएगी, लेकिन जहाँ से शुरू कर रहे हैं तीसरा साइड भी वहीं से शुरू होगा। तो यहाँ देखो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, चलो रखो ओ ए की वैल्यू क्या है, ए बार, ए बी पता नहीं, ओके, और ओ बी क्या है, ओ बी बी बार है, सो ए बी बार क्या आ गया, देखो बी बार, ये ए बार उस तरफ गया तो माइनस ए बार, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं करने वाला हूँ आपको, एकदम सिंपल तरीका, कैसे भी लोगे चलेगा, मैंने दो तरीके बताए, कुछ भी उठा लो। देन ये आ गया ए बी बार, व्हाट इज दिस, बी बार माइनस ए बार आ चुका है ये, ओके ये जो डायगनल है इसको ध्यान से देखो, इस डायगनल को ध्यान से देखो, ये जो डायगनल है इसको पैरेलल होने वाला है, ओके और ये जो है ये इसको पैरेलल होने वाला है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से देखो ये दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम होगा, हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप अगर एकदम परफेक्ट माप के बनाओगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। अभी आपको लग रहा होगा ये तो थोड़ा झुका है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया ना, तो एक्चुअल में ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है पता है ना, कि ये बी बार माइनस ए बार है, कौन सा वैक्टर, ए बी, ए से लेके बी क्या है, वो बी बार माइनस ए बार है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दो, समझो एम या तो पी देते,
तो ये जो ओ है यहाँ पर समझे दूसरा कुछ नाम देते, क्या क्या नाम है देखो, ओ ए बी सी डी ई है, एफ देते चलो एफ। अब देखो यहाँ ओ से लेके ये एफ है बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अगर ये ए बार है तो ये ए बार आ गया, ये बी माइनस ए है तो यहाँ से यहाँ ये जो वेक्टर है ये बी माइनस ए आ गया। समझे कैसे किया, बी माइनस ए पैरेललोग्राम, ये दोनों इक्वल होगा, डायरेक्शन सेम रखा मैंने, ये दोनों इक्वल होगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका भी डायरेक्शन इधर है। बट हमको निकालना क्या है, हमको सी डी ई का पोजिशन वैक्टर निकालना है, ये जो सी है इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। जितने भी डायगनल्स होंगे एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं यहाँ पर, ओ सी का ये मिड पॉइंट है ठीक है, तो इस तरह से होता है जब ये जॉइन करते हैं तो मिड पॉइंट आता है, तो यहाँ पर ये जो एफ पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट है किसका, ओ सी का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर नाम दे दो ओ ए बी एफ, ओ ए बी एफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देयरफॉर लिख के दिखाओगे ये, इसको लो ए बी बार, ए बी बार इज इक्वल टू ओ एफ बार, ओ एफ बार इज इक्वल टू क्या आ गया, बी बार माइनस ए बार, ये आ चुका है। अब हम लोग दिखाएंगे कि ये जो पूरा ओ सी है, पूरा ओ सी है, ओ सी क्या होगा, ओ सी बार, ये पूरा जो ओ सी है वो इस ओ एफ का डबल होगा क्योंकि ये सारे मिड पॉइंट्स होते हैं ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट होगा, इसका ये मिड पॉइंट होगा, तो ये जो OC है क्या होगा, इस OF का डबल होगा, OC बार इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ OF बार, तो क्या आ गया इज इक्वल टू टू टाइम्स, OF क्या है B बार माइनस A बार, सो टू टाइम्स B बार माइनस टू टाइम्स A बार, तो ये क्या है OC बार, और OC बार मतलब क्या, याद आ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ C, C का पोजीशन वेक्टर OC बार होता है, तो ये C बार है, सो एक्चुअल में ये जो C बार है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ C आ गया इन टर्म्स ऑफ B एंड A, तो ये आ गया। अब क्या निकालना है D और E के लिए, D इस पॉइंट के लिए, अब देखो ये जो ये आ चुका है, ये पूरा क्या है देखो, चलो ये तो था, ये पूरा क्या आया 2B बार माइनस 2A बार, ओके ये पूरा आया OC, अब इसको ध्यान दो ये वाले को पूरा, हाँ देखो ट्राइंगल OCD, इस ट्राइंगल को देखते हैं ओके, इन ट्राइंगल OCD ध्यान से देखना, OC प्लस CD इज इक्वल टू OD, OC प्लस CD, देखो OC प्लस CD इज इक्वल टू OD ट्राइंगल लॉ से। हाँ अब आप बोलोगे सर CD क्यों ले रहे हो, ये तो एरो इधर दिया है, तो ये एरो समझने के लिए था ठीक है, हम कैसे भी ले सकते हैं, ये एरो इधर दिया तो ये A बार है, जब DC लेंगे तो A बार लेंगे, जब CD करेंगे तो माइनस A बार कर देंगे, उल्टा डायरेक्शन। अब देखो इसको बार देना ओके ना, OC बार कितना है देखो, OC OC बार कितना है, ये 2b माइनस 2a है, यहाँ आया था ना OC बार मतलब 2b माइनस 2a, ये ले लिया 2b बार माइनस 2a बार, प्लस CD बार, CD बार कितना आएगा देखो, ये जो OA था वो A बार था, OA तो DC भी A बार है, बट CD करोगे तो क्या आएगा, A बार का निगेटिव हो जाएगा, अगर मैं CD करता हूँ यहाँ से ऐसे करता हूँ तो यहाँ से इस तरफ A बार था, ये A बार है ना उस डायरेक्शन में, बट उल्टा किया तो निगेटिव, तो ये माइनस A बार है, CD बार इज माइनस A बार इज इक्वल टू ओडी। अब ये ओडी क्या है, ओडी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ओके सॉल्व करो, सो टू बी बार माइनस टू ए बार प्लस माइनस माइनस ए बार इज इक्वल टू डी बार, सो डी बार क्या आ गया देखो, डी बार इज इक्वल टू टू बी बार माइनस टू ए माइनस वन है माइनस थ्री ए बार, तो ये आपका डी बार आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। देखो हमको सी का निकालिए, डी का निकालिए, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर, अभी फाइनली ई का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ई कहाँ पर है देखो, ये अब ये कैसे करोगे देखो, यहाँ पर ओडी आया क्या, ये देखो ये ओडी आया, ओडी ओडी मतलब ये ओडी आ चुका है, ये जो डी की बात करेंगे यहाँ से देखो, ये वाला किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है, ए बी कितना है देखो, यहाँ से ए से बी कितना है, बी बार माइनस ए बार, तो ये ई डी है ना वो बी बार माइनस ए बार होगा ई डी, बट ये बी बार माइनस ए बार ये डायरेक्शन है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर मैं डी लूंगा तो इसका निगेटिव हो जाएगा। चलो ई के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल ना ध्यान से देखना, ओ डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ई ओ, लेकिन मुझे तो ओ ई चाहिए ना, तो हम ऐसे करते ओ डी ओ ई इस तरह से लेते, ओ ई प्लस ई डी कैसे भी ले सकते हो, ध्यान से देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यही ट्राइंगल लेना चाहिए, ओ ई डी इस ट्राइंगल में, ओ ई डी ध्यान से देखना, मुझे ओ ई निकालना है, पोजीशन वेक्टर जिसका निकालना है ना
जैसे ओ बी का पोजिशन वेक्टर ओ बी, ए का पोजिशन वेक्टर ओ ई, तो ई का है तो ओ ई आना चाहिए, तो मैं ऐसे लेता हूँ ओ ई प्लस ई डी, ओ ई प्लस ई डी इज इक्वल टू, हाँ ध्यान से देखना, ओ ई प्लस ई डी इज इक्वल टू ओ डी। अब जिसकी वैल्यू मान ली में रख दो, ओ ई कितना है देखो, ओ ई, ओ ई तो फाइंड करना है, ई का पोजिशन वेक्टर ओ ई प्लस ई डी, ई डी यहाँ से यहाँ तक ऐसा, तो अब देखो कि एक मिनट, ये ई डी ये वेक्टर किसको पैरेलल है, इस वेक्टर को, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी इधर है, ये बी बार माइनस ए बार है, ये भी बी बार माइनस ए बार, सेम सेम रहेगा, हम लोग ऐसे नहीं ले रहे हैं, अब ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी कितना है देखो यहाँ पर, ओ डी मतलब ये डी बार है, डी बार, डी बार, ठीक है, ओ ई मतलब ई बार पोजिशन वैक्टर प्लस बी बार माइनस ए बार इसको, डी बार क्या आया था देखो यहाँ से, डी बार टू बी माइनस थ्री ए, टू बी माइनस थ्री ए, ओके, सो ई बार इज इक्वल टू, इन सबको उधर लेके जाओ, तो टू बी बार माइनस थ्री ए बार, ये बी बार वहाँ गया तो माइनस बी बार, माइनस ए बार उस तरफ गया तो प्लस ए बार, सो ई बार इज इक्वल टू टू बी माइनस वन बी, सो वन बी आया, माइनस थ्री ए प्लस वन ए तो माइनस टू ए बार आया, सो ये आ गया ई बार। तो आपने क्या क्या निकाल दिया, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी सी बार आया, पोजिशन वैक्टर ऑफ डी डी बार आया, पोजिशन वेक्टर ऑफ ई ई बार आया। तो पहले मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था, अब किसी तरह से भी ट्रायंगल घुमा के बनाओ और वैल्यू निकालो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जैसे बताया इसी तरह से करना। अब यहाँ ओ सी डी मैंने बोला तो ओ डी सी भी ले सकते हो, ओ सी डी बोला तो आप ओ डी सी ले सकते हो, मैंने ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओ डी किया, आप ओ डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ओ सी करोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर ए को माइनस ही करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, इसके अंदर यहाँ पर जो हमारा आंसर आया सी डी और ई, इसमें जो सी आया है हमारा टू बी बार माइनस टू ए बार, टेक्स्ट बुक में अलग दिया हुआ है, ओके, तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर ये परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग माइनस टू ए को पहले भी लिख सकते हैं, टू बी को बाद में भी लिख सकते हैं, माइनस टू ए प्लस टू बी तो भी चलेगा आंसर, हाँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप आंसर मैच करोगे तो माइनस थ्री ए पहले लिखा प्लस टू बी तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने कंसेप्ट बताया मिड पॉइंट, अभी वापस से वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ये ओ एफ है, ये क्या आया था बी बार माइनस ए बार था, तो ये बी बार माइनस ए बार था, ठीक है, तो ये था, तो ये और ये सेम कैसे हो गया, ओके, ये भी बी बार माइनस ए बार, और पूरा जो है पूरा इतने का डबल करेंगे तो पूरा आएगा, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट मैं बोला ना आपको मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्यों है, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, समझो ये वाली लाइन को मिटा देते, ये मिड पॉइंट नहीं रहेगा, ये शायद गलती से मैंने बोला ये मिड पॉइंट नहीं, ये मिड पॉइंट, जितने भी डायगनल्स है सभी डायगनल्स को जब हम मिलाते हैं, समझो ये यहाँ से डायगनल को मिलाया, इसका रेगुलर हेक्सागन का प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे डायगनल्स को जब हम मिलाते हैं तो वो एक पॉइंट पर मिलते हैं, ये डायगनल, ये वाला डायगनल, ये वाला डायगनल, देखो वन टू थ्री, ऑल थ्री डायगनल मीट एट सेंटर, तो इस रेगुलर हेक्सागन का एक सेंटर होता है, उस सेंटर पे मिलते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि सब हाफ हो जाते हैं, अगर ये सिक्स है तो ये थ्री थ्री हो जाएगा, ये थ्री थ्री हो जाएगा और ये थ्री थ्री हो जाएगा, समझ में आया, तो ये क्या होता है मिड पॉइंट, इसलिए हमने ये बी बार माइनस ए बार था, तो इसका ये और ये सेम होगा और पूरा क्या होगा इसका डबल होगा, ओके, तो ये मिड पॉइंट होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अभी याद रखो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको कॉपी कर लो, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर फोर है, अगर आपको नहीं समझा होगा क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छे से तो इसको एक तो रिपीट करके देखो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर भी देखो, आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, फिर से एक रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन आ गया फोर्थ वाला, ओ इज द सेंटर ए बी सी डी ई एफ, एक रेगुलर हेक्सागन है, कैसे बनाओगे देखो मैं बताता हूँ, इस तरह से एक पहले लाइन ड्रॉ करो, इसी के पैरेलल में यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, ये चलो ये हो गया इस तरह से, ये रेगुलर हेक्सागन है समझो, अब इसका नाम क्या है देखो ए बी सी डी ई एफ, चलो यहाँ से नाम दो ए बी सी डी, एक पैटर्न अपना फिक्स कर लो नाम देने का, ओके, इस तरह से एक पैटर्न फिक्स हो गया। अब क्या बोला है, ओ इज सेंटर, सेंटर याद आ रहा क्या था, सबको मिलाओ, जितने भी डायगनल्स इसके अंदर होते हैं ना सबको मिला दो, चलो ये डायगनल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ओके, यहाँ पर आमने सामने वाले को मिला ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये चलेगा, ये डायगनल है समझो, आमने सामने वाले जो पॉइंट है उसको मिला दिया। अब ये सेंटर है ओ, करना क्या है, ए बी बार प्लस ए सी बार, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए एफ, इन सबको प्लस करोगे, ए से निकलने वाले सारे वेक्टर को प्लस करोगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, सबको प्लस किया,
तो 6 टाइम्स AO आने वाला है, 6 टाइम्स AO आएगा ऐसा प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो क्या क्या सेम रहेगा। ये जो AB है ये वेक्टर किसको सेम होगा, ED को। ये जो BC है वो किसको सेम होगा, FE को। और जो ये AF है, AF है वो किसको सेम होगा, CD को। ओके, विद डायरेक्शन सेम रहेगा। अब लाना क्या है, 6AO, ध्यान से देखना 6AO है कहाँ पर, AO ये रहा, AO यहाँ पर है AO, तो इसका 6 टाइम लाना है। अब ये AO किधर है, देखो AD, इस AD का आधा AO होगा। ओके, यहाँ पर आपको लाइन टेढ़ी दिख रही है, आप अच्छे से स्केल से बनाना, मैंने रफ बनाया इसलिए। तो ये जो AO है इसका डबल किया तो AD आएगा, बिकॉज ये सेंटर है, सेंटर पे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया ये मिड पॉइंट होता है सेंटर, AO का डबल पूरा AD। तो 6 टाइम्स AO मतलब हमको AD के फॉर्म में हर एक वेक्टर को लाना चाहिए। ये प्रूफ करने के लिए कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, ये जो सारे दिए सब A से स्टार्ट होते हैं, तो सबको ड्रॉ कर दो, AC, AD, AE सबको ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट है, याद रखना मुझे कैसे भी करके AD लाना है, किसको किसको प्लस करेंगे तो AD आएगा। चलो मैं ये AE और ED को प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, AE और ED को प्लस करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना मैं जुगाड़ करके ला रहा हूँ, आप कुछ भी करके ला सकते हो। चलो AE वेक्टर, ऐसे वेक्टर समझो ED, AE प्लस ED, AE बार प्लस ED, एरो लगाना चाहिए क्या, नहीं किया तो भी चलेगा, ओके किया तो भी चलेगा, AE प्लस ED, ध्यान से देखना AE प्लस ED क्या आ जाएगा, AD। क्यों AD ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे AD चाहिए, क्यों AD, क्योंकि ये AO के फॉर्म में लाना है, AO क्या होता है AD का आधा, इसलिए मैं AD के फॉर्म में सब लाऊंगा। अब देखो AE प्लस ED, देखो AE प्लस ED, ED किसको सेम होगा, ED, देखो ये आमने सामने बताया था ना, ED डायरेक्शन इधर है, AB डायरेक्शन इधर है, तो ED इज इक्वल टू AB, AE ED को हटा के AB कर दिया, और यहाँ पर AD है, सिंस ED इज इक्वल टू AB फ्रॉम डायग्राम। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे को मुझे जो है ना सब स्टार्ट A से होने वाले चाहिए, सब A से स्टार्ट होना चाहिए, ऑब्जर्व करो, इसलिए मैंने देखो जो रिलेशन लाया वो सब A से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वन नंबर हो गया। अब मैंने क्या किया था, देखो AE प्लस ED करके AD लाया था, अब ऐसे करो AC प्लस CD करो, क्या करोगे AC प्लस CD, तो क्या आ जाएगा AD आ जाएगा। अब ये CD किसको सेम है, देखो अगर ऐसे करते हैं AC और ये CD किसको है, AF को पैरेलल, देख रहा है CD ये किसको पैरेलल है, AF को पैरेलल है। ओके, तो ऐसे करते हैं AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, मैं AD ला रहा हूँ, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। तो देखो ये A से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, बट ये A से शुरू नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या करो रिप्लेस करो, CD, CD किसको सेम है, देखो CD ये किसको सेम होगा, आमने सामने की साइड देखेंगे तो ये, ओके डायरेक्शन ऐसे और ऐसे, तो ये AF आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे CD की जगह पे AF, CD इज इक्वल टू AF, समझ गए। तो ये क्या है, देखो AC बार प्लस इसको रिप्लेस किया और ये AD बार, इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा। अब क्या करो, इनको प्लस करो, इनको डायरेक्ट प्लस करो, तो क्या आएगा देखो, और कुछ रह गया क्या, देखो AB, चलो ये लेफ्ट हैंड साइड लो, चलो लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड था ना ये उठाओ, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, AB प्लस, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, बस इतने दो इक्वेशन लाके हो गया आंसर, आपका आंसर आ चुका है AE प्लस AF। अब आप बोलोगे कहाँ आंसर आया, अभी तो कुछ नहीं आया, देखो आ चुका है, AC और CD को प्लस किए तो AD आता है, AC कहाँ है, ये AC और CD के, अरे यहाँ देखो AE और EB, इसको देखना इक्वेशन नंबर वन एंड टू को देखना, मैं भी क्या देख रहा हूँ, ये इक्वेशन वन देखो और ये इक्वेशन टू देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, AE और AB कहाँ पर है, देखो ये AB है और AE कहाँ पर है, ये इसको और इसको प्लस किया, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ AE बार, आगे पीछे लिख सकते हैं कम्यूडिटी लॉ, वेक्टर को आगे पीछे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिया AD आएगा प्लस। दूसरा क्या, AC में AF को प्लस करो, ये AC है, AC इसमें AF को प्लस किया, AC और AF को प्लस कर दिया, AC और AF प्लस हो गया, बचा कौन AD, उसको अलग से लिख दो। अब देखो AE प्लस AB क्या आएगा, AE प्लस AB AD, सो दिस इज AD, AC प्लस AF, AC प्लस AF AD, सो दिस इज ऑल्सो AD, ये भी AD हो गया, ये भी AD हो गया, और ये ऑलरेडी AD है। ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स, वन टू थ्री टाइम्स AD, थ्री टाइम्स AD, ओके, बट थ्री AD क्या है, देखो AD अभी हमको AO लाना है, AD जो है ना AD वो AO का डबल है, AD क्या है, AD
टू टाइम्स ए ओ, याद आ रहा है मैंने बताया था ये सेंटर होता है, ये हाफ हाफ करता है, मिड पॉइंट होता है, तो ए ओ का डबल ए डी होता है, तो ए डी को मैंने क्या किया, टू टाइम्स ए ओ, ओके, सो इज इक्वल टू 3 × 2, 6 टाइम्स ए ओ आ गया। ये क्या था, एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस में क्या लाना था चेक करो, 6 टाइम्स ए ओ लाना था, वो आ गया 6 टाइम्स ए ओ। तो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ समझना है हमको ट्राइंगल ऑफ फैक्टर एडिशन, रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर हेक्सागॉन का जो बेसिक कंसेप्ट, यहाँ से कॉपी करो, मुझे उम्मीद है आपको आ चुका होगा, नहीं आया तो फिर रिपीट करके देखो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही ईजी है ट्राइंगल ऑफ फैक्टर एडिशन, हम बार बार यूज कर रहे हैं फिजिक्स वाला जो कंसेप्ट हमने यहाँ सीखा था। फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर वैक्टर्स फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट, ये थ्री वैक्टर्स दिए हैं, तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं यानी वो चेक करना है। चलो नाम दे देते हैं इसको, सपोज ये ए बार है पोजीशन वेक्टर के टर्म में देते, बी बार सी बार, इसको चाहे तो आप ऐसे भी नाम दोगे तो भी चलेगा, ए बी बार, बी सी बार, सी ए बार तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन चलो मैं ऐसे नाम देता हूँ। तो ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं इस तरह से, ओके, अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो ए बार और बी बार को प्लस करेंगे तो तीसरा वेक्टर आना चाहिए, ए बार प्लस बी बार क्या होता है, तीसरा वेक्टर होता है, दो साइड को प्लस किया तो तीसरी साइड आती है अगर ट्राइंगल होगा तो। क्वेश्चन क्या है, चेक करो कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है, ये तीनों जो वेक्टर है वो मिलकर ट्राइंगल है कि नहीं है। अगर समझो मैं ऐसे ऐसे प्लस करता हूँ तो ये साइड आएगी, ऐसे ऐसे प्लस करता हूँ तो ये साइड आएगी, तो चलो ऐड करके देखते हैं। ओके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो साइड को ऐड करके देखते हैं तीसरी साइड आ रही कि नहीं। लेट या तो कंसीडर ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करो, ए और बी को प्लस करो, सी आता है कि नहीं देखो, अगर माइनस या प्लस कैसे भी आए तो चलेगा। सो ए बार क्या है, टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये पूरा एक वेक्टर है ए बार, ये जो ए बार है ना वो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, प्लस बी बार ये दूसरा है, क्या है देखो, माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, इस तरह से दोनों को प्लस करो। देखो तो प्लस कैसे करते हैं, जो आई वाला है ना वो आई वाले टर्म के साथ ही प्लस होगा, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, प्लस करते समय सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो ये ऐसे कर सकते हैं टू आई कैप माइनस, देखो ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस थ्री आई, आई वाले जो टर्म्स हैं उसको आई के साथ लाओ, टू जे टू जे टू जे के साथ यहाँ जे कौन है, प्लस थ्री जे प्लस यहाँ पर थ्री के, थ्री के कैप और प्लस यहाँ पर टू के कैप, तो i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k रखो, चलो 2i माइनस 3i तो माइनस i कैप, कैप लगाना जरूरी है, 2j प्लस 3j तो 5 टाइम्स j प्लस 3k प्लस 2k 5 टाइम्स k, तो ये क्या आया, a बार प्लस b बार। अब ये जो आंसर आया वो c बार यानी तीसरा वेक्टर सेम आएगा, देखो नहीं बिल्कुल अलग है, निगेटिव आता है अगर समझो, ये माइनस में आता या प्लस आता तो भी चलता, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, तो हम लिखेंगे a बार प्लस b बार है वो c बार को इक्वल है ही नहीं, Therefore, given vectors do not form a triangle. हो गया, बस इतना ही था, बहुत सिंपल था, ठीक है चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एकदम ध्यान से देखो, सिक्स्थ वाला, एक डायग्राम खुद से बना के दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। ओके एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, यहाँ पर ये जो सी है और ये जो डी है, सी बार और डी बार, उसको ए और बी के टर्म में लाना है, और इसके साथ ही दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है एक दूसरा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू आई माइनस टू जे, उसके डायरेक्शन में एक वेक्टर लाना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, सी और डी को ए बी के टर्म में लाते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम है उसको पहले एनालिसिस करो, क्या है देखो, ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, सब एरो भी दिया हुआ है, पी क्यू को ए बार दिया है, पी आर बी बार है, पी एस सी बार है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया उसको सिर्फ कॉपी किया है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर ये एस आर को डी बार किया है और एस क्यू को माइनस डी बार किया है, अपोजिट वेक्टर, ओके दोनों इक्वल है, ये इक्वल है मतलब ये मिड पॉइंट है, तो हमको अभी सी और डी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ये इस तरह से, ये वाला, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये ए बार है, अगर समझो मैं ऐसे लेता हूँ पी क्यू पी, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे लेते चलो पी एस प्लस एस क्यू, ध्यान से देखना पी एस प्लस एस क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ध्यान से देखना
पी एस क्यू, यहाँ पर एरो कैसे है देखो, ये एरो है ठीक है, तो पी एस प्लस एस क्यू, पी एस प्लस एस क्यू क्या आ गया, पी एस प्लस एस क्यू इज पी क्यू, पी क्यू आ गया, समझे। इसका फायदा क्या होगा, पी एस क्या है देखो, पी एस डायरेक्शन के साथ सी बार, पी एस सी बार पोजिशन वेक्टर, एस क्यू, एस क्यू यहाँ से एस से क्यू माइनस डी बार, तो ये माइनस डी बार, पी क्यू, पी क्यू क्या है देखो, यहाँ से पी से क्यू ए बार, तो ये ए बार दिया है ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सी बार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार, तो ये इक्वेशन नंबर वन आ गया समझो, इसको एक रिलेशन आ गया, सी और डी का डिफरेंस ए बार होता है। अब ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला कौन सा, पी एस आर, ओके इन ट्रायंगल पी एस आर, थोड़ा ज्योमेट्री टाइप है, डरो मत, देखो इस तरह से एरो देखो, पी से एस एरो नीचे आ रहा है ना, तो पी एस फिर ये आगे जा रहा है, पी एस प्लस एस आर, फिर आंसर पी आर, क्या आ गया, पी एस प्लस एस आर आंसर पी आर, यहाँ ऊपर बार देते जाना है आपको। चलो पी एस क्या था, सी, एस आर क्या है, डी, तो सी बार और ये डी बार स्मॉल लेटर, पी आर, पी आर ये वाला, पी आर कितना है, बी बार। अब इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दो, अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को क्या कर सकते हैं सॉल्व, देखो ये माइनस डी बार प्लस डी बार है, टेंथ का मेथड, एडिंग वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस सी टू टाइम्स सी, माइनस डी प्लस डी कैंसल आउट, और ये क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, क्या किया मैंने, सी और सी प्लस हुआ टू सी, माइनस डी प्लस डी जीरो कैंसल, ए बार प्लस बी बार, ए बार, ए बार प्लस बी बार आ गया। अब आगे देखो, सी की वैल्यू निकालनी थी, सी इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, तो सी कैसे आएगा, टू यहाँ पर गया तो सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है, टू यहाँ से यहाँ तो डिवाइड हो गया, हो गया, तो हम लोग को सी निकालना था, सी आ गया। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखो, सी बार इज इक्वल टू हाफ ए बार प्लस हाफ बी बार, ओके, तो ये हो गया सी बार का आंसर जो हमें पूछा गया था, ओके, ये जो टू था इसको वापस लिखते हैं ये। लेकिन अभी डी बार भी बोला है कि सी बार के साथ डी बार भी निकालो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन वन या तो टू दोनों में से कोई यूज़ करो, समझो मैं ये टू यूज़ करता हूँ, फ्रॉम टू, ओके, एकदम अलजेब्रा मेथड है, ज्योमेट्री कर रहे हैं अलजेब्रा मेथड से, सी प्लस डी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर है, सी क्या है, हाफ ए बार प्लस हाफ बी बार, ये सी हो गया, प्लस डी बार, प्लस डी बार इज इक्वल टू क्या, बी बार, क्या किया मैंने, ये जो सी था, सी, सी की जगह पर सी का वैल्यू रख दिया, प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। अब देखो ये जो डी बार है वो यहीं पर रखो, डी बार इक्वल के उस सेट बी बार है, अब इनको उधर ले जाओ, तो ये हाफ ए बार वहाँ गया, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस हाफ ए बार, ये हाफ बी बार उस तरफ गया तो माइनस हाफ बी बार ये आया, सो डी बार इज इक्वल टू, देखो वन बी बार में से, वन बी से माइनस हाफ बी माइनस हो जाएगा, या तो बी बार कॉमन लेके करो, वन माइनस हाफ हाफ, तो हाफ टाइम बी बार, देखो ये दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों बी बार में से, वन बी बार में से माइनस हाफ बी बार कर दिया मैंने, और यहाँ के बच गया माइनस हाफ ए बार, माइनस हाफ कॉमन ले सकते या तो ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा, तो ये आपको डी बार का आंसर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, जो सी बार और डी बार का आंसर लाया ए और बी के टर्म में, देखो आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, ओके ये जो ए बार है समझो, ये जो ए बार है, ये जो ए बार, अरे यहाँ से ए बार है, ओके ये ए बार है, और ए बार की वैल्यू दी है, जो ए बार है दैट इज दिया है डायरेक्ट यहाँ पर, ये ए बार दिया हुआ है, तो इसी के डायरेक्शन में, ये जो ए बार है इसके ही डायरेक्शन में और एक वेक्टर ले लो, और एक वेक्टर ले लो दूसरा इसी की डायरेक्शन में, आप अलग से ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, समझो ये एक वेक्टर ले लिया, दिस इज अ वेक्टर, ओके ए बार के डायरेक्शन में, बट उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर लेना होगा और उसका मैग्नीट्यूड दिया होगा इतना यूनिट होना चाहिए, तो सबसे पहले आप उस वेक्टर के अलोंग में, जैसे ये ए बार है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अलोंग में उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये चल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, बेसिक में मैंने आपको बताया था
किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार इज इक्वल टू दिस, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है। अब उसको आप कुछ नाम भी दे सकते हो, ई कैप या आई कैप चलेगा, नहीं दिया तो भी। ए बार क्या है, देखो ए बार i-2j, ये अपॉन ए बार का मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका स्क्वायर रूट करते हैं, आई और जे के कोएफिशिएंट ले लो, आई के साथ क्या है 1 उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है -2 उसका स्क्वायर। तो क्या आ गया, i-2j आई कैप -2j कैप अपॉन 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, माइनस का स्क्वायर प्लस ना, 4 प्लस 1 5 रूट 5। तो ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार आया, ए बार, ये जो ए बार है इसके अलोंग में कोई यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो आया। बट हमको क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 अलोंग ए बार, यानी जो ये ए बार वेक्टर है इसी के अलोंग एक दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 होगा वो कैसे निकालेंगे, ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट मतलब 1 के लिए इतना है, तो 7 मैग्नीट्यूड के लिए 7 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट 5। ओके, सो फाइनली क्या आ जाएगा, 7 अपॉन रूट 5, इस तरह से आ गया, और i कैप माइनस 2j कैप। तो ये एक वेक्टर आया जो a बार के अलोंग होगा, ये जो a बार है उसके अलोंग होगा और उसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर पहले निकाला, यूनिट वेक्टर फिर जितना मैग्नीट्यूड बोला जाता है उससे मल्टीप्लाई करने का, हर बार ऐसे करने का। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर दिया उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर दिया है उसको स्क्वायर रूट उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना और प्लस करना, बेसिक में बताया था, ठीक है। ये जो आंसर आया इसको और भी मॉडिफाई आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, ये 7 अपॉन रूट 5 आई के साथ और 2 के साथ आगे लेके जा सकते हो। चलो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ, ये 7 अपॉन रूट 5 इंटू आई कैप इस तरह से, और ये आगे गया माइनस 7 2 14 अपॉन रूट 5 इंटू जे कैप। तो ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ये आंसर भी चलेगा, ओके, और ये आंसर भी चलेगा, दोनों आंसर चलेगा। तो यहाँ पर ये 6th क्वेश्चन हो गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया है, पहला बेसिक आपको कंसेप्ट मैंने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो समझे होंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। और मुझे मालूम है कि 11th में आपने वेक्टर पढ़ा है, ओके, फिजिक्स के अंदर, तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो आज रिवाइज हो गया होगा लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे, समझने वाले थे, छोटे छोटे थे बट समझना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आज बहुत सारा 5.1 के साथ भी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश की, रेगुलर हेक्सागन ये वो, जिसके वजह से ओनली 6 क्वेश्चन हम कर पाए, टोटल 14 क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, तो अभी रह गए 8 क्वेश्चन 5.1 के, नेक्स्ट वीडियो में पूरा 8 क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा आपको, और वो थोड़े से और सिंपल है, जैसे कि ये बताया ना यूनिट वेक्टर वगैरह इस तरीके से हैं। ओके, अभी तक हम जो कर रहे थे ज्योमेट्री टाइप क्वेश्चन थे, अब अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स में बता दूँ, यहाँ पर ये हमारा 10वां चैप्टर चालू है, टोटल 5 चैप्टर हमने मैथ्स 2 में कर लिए हैं, 5th चैप्टर मैथ्स 1 में चालू है, 4th कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितना जल्दी हो सकता है सब कवर करो। मिसलेनियस हम शुरू करने वाले हैं, ओके, सारे थियरम्स बताने वाला हूँ अलग से, और आपको MCQ देने वाला हूँ बहुत सारे, CET लेवल, JEE मेंस लेवल, बहुत कुछ कराने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप आए हो, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है उसके साथ। बाय।